So, 12th class, our last topic of Python programming is stack. Okay. Uh, you will be getting this complete program, right? Uh, you are to do this complete program from the practical point of view also. And the question on this is expected in boards. So, this topic is very important. Don't ignore it. From practical as well as from practical point of view. First of all, let me tell you the meaning of stack. Stack means a pile up of something. Jesse Panche books rakdo ek do ek So ek, ek that is a stack. I give one best example to you of stack. Uh, the wedding ceremony, when you visit some wedding ceremony. Uh, you might have encountered the dinner area where the waiter comes and keep the stack of plates the first guest who is coming for the dinner the guest will pick up the very first plate that is lying on the top please keep on giving me the feedback because uh, your attention is highly required in this program सो बाई रेजिंग थम्स कीप ऑन गिविंग योर फीडबैक टू मी एज एंड वेन आई विल आस्ट एनी क्वेश्चन तो वेटर जो भी गेस्ट आया उसने सबसे पहले वाली प्लेट को उठाया सेकेंड गेस्ट आया उसने सेकेंड प्लेट सेकेंड उठाई जो सबसे टॉप पर प्लेट थी वो सबसे लास्ट में रखी गई थी you understand what i want to say the plate which was lying at the top was the plate that was kept at the end so that means stack is based on the technique of lifo last in first out जो सबसे लास्ट में एलिमेंट रखा गया है सबसे पहले वो आउट होगा जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी गई थी सबसे पहले वो एलिमिनेट होगी गॉट इट देन देर विल बी वन एलिमेंट विद द नेम टॉप एक वेरिएबल होगा जिसका नाम टॉप है और टॉप कोई कीवर्ड नहीं है डोंट वरी टॉप इज नॉट एनी कीवर्ड इट इज अ यूजर डिफाइंड नेम टॉप विल बी पॉइंटिंग टू दैट एलिमेंट विच इज इंसर्टेड एट द एंड लाइक आई आई मेक वर्किंग नोट ओवर हेयर or i just open uh, once another software in front of you so that it is more clear is ms word file visible yes class is ms word file visible okay दिस इज अटैक मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं जरा ओके okay. अभी स्टैक मेरा एम टी है राइट नाउ द स्टैक इज एमटी ओके So, when stack is empty, top is minus one. This is zero. Okay, first element comes two. So, top will be pointing to. एरो टॉप को पॉइंट कर रहा है दिस एरो सिग्निफाइज द टॉप ओके मुझे यहां पे क्लिक करना है यह एरो टॉप को पॉइंट कर रहा एक और एलिमेंट आया फोर अब टॉप इसको पॉइंट कर रहा है फिर एलिमेंट आया फाइव टॉप इसको पॉइंट कर रहा है देन आई हैव सिक्स एंड टॉप इज पॉइंटिंग टू सिक्स ओके देन आई हैव एलिमेंट एट टॉप पॉइंटिंग टू एट एंड देन वी हैव ट्वेल्व एलिमेंट top pointing to 12 beyond this there is no capacity in the stack stack is full when the stack is full and you try to insert any element it will result in overflow आपके स्टैक की एक कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी तक वो फिल हो चुका है and if you will try to insert any element beyond its capacity it will result into overflow i give one example to you Ex uh, take into consideration your water bottles water bottle has a fixed size so limited capacity of water can be accommodated you can fill the bottle up till the desired level सपोज वन एंड हाफ लीटर और टू लीटर्स आफ्टर टू लीटर कपेसिटी हैज बिन रीच्ड यू वॉन्ट बी एबल टू फिल मच वॉटर एंड इफ यू ट्राई टू फिल वो पानी नीचे की और आएगा छलकेगा दॉटर विल फ्लो आउट ओके सो नाओ द एलिमेंट विच इज एट द टॉप इज ट्वेल्व तो टॉप हमारा ट्वेल्व को पॉइंट कर रहा है ठीक है इसका इंडेक्स क्या हो गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव यानी सिक्स फाइव का मतलब सिक्स एन माइनस वन है ना साइज क्लियर जीरो टू एन माइनस वन ओके नाउ द एलिमेंट विच इज लाइंग एट टॉप द एलिमेंट विच वॉज प्लेस्ड एट द एंड विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड जब एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं वी से वी हैव पुश द एलिमेंट जब एलिमेंट को डिलीट करते हैं वी से वी हैव पॉप द एलिमेंट पुश एंड पॉप आर नॉट द कीवर्ड्स

फाइव भी रिमूव हो गया टॉप पॉइंटिंग टू फोर दैट इज वन फोर भी रिमूव हो गया टॉप पॉइंटिंग टू 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 भी रिमूव हो गया तो टॉप इज न जीरो वट यू से माइनस वन अब आपका स्टैक इस टाइम एम्प्टी है आपका स्टैक इस टाइम एम टी है वॉट यू विल डिलीट फ्रॉम द एम टी स्टैक स्टैक इज अ कंटेनर योर कंटेनर इज एम्प्टी। वॉट यू विल डिलीट फ्रॉम दैट नथिंग वेन यू ट्राई टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द एम्प्टी कंटेनर इट विल रिजल्ट इन अंडर फ्लो ओके

जो वेटर प्लेट रखेगा टॉप पर रखेगा जो गेस्ट प्लेट को उठाएगा टॉप से उठाएगा कभी भी कोई गेस्ट बीच में से प्लेट को ड्रैग नहीं करेगा द आउटर मीनिंग द इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू स्टैक लेट एस नाउ डिस्कस द प्रोग्राम सो दिस इज अ ड्रिवन प्रोग्राम ओके And you have to prepare this complete program. Don't cram it, try to understand it. We start from the main function. Stack is implemented as a list. In Python, if you want to represent the stack, it can be implemented as a list. So here I have taken an empty list.

am i clear to everyone i am not getting response from the class mandreet vanshika anushka are you all here okay while true till your loop is true till the value is true keep on executing the while loop this is the menu which i have created first option is push function सेकेंड इज पॉप फंक्शन थर्ड इज पीक फंक्शन पीक का मतलब होता है ऑब्जर्व करना कि हमारे स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है जैसे ये मेरा स्टैक है मैंने यहां पे एलिमेंट डाल दिए दिस इज पीक पीक मींस टू सी टू चेक विच एलिमेंट इज एट द टॉप ओके, देन डिस्प्ले फंक्शन टू डिस्प्ले द स्टैक एंटर योर चॉइस आपकी जो चॉइस है वो मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल में कन्वर्ट किया है और उसको एच में डाल दिया सी एच की जो वैल्यू है वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है इनमें से वन टू थ्री फोर इफ योर वैल्यू ऑफ सी एच इज वन अगर आप यहां पर सी एच की वैल्यू वन इनपुट करवाते हैं तो दिस वैल्यू मैच विद दिस वैल्यू फर्स्ट ऑपरेशन विल स्टार्ट पुश फंक्शन एंटर द एलिमेंट यू वॉन्ट टू इंसर्ट इन द स्टैक राइट नाउ योर स्टैक इज एमटी सो द प्रोग्रामर इज आस्किंग यू टू एंटर द वैल्यू यू वॉन्ट टू इनपुट इन द स्टैक आपने कहा थ्री थ्री इज द आइटम विच आई वॉन्ट टू प्लेस इन द स्टैक आई एम स्विचिंग बिटवीन टू विंडोज आर बोथ द विंडोज विजिबल और जस्ट पाइथन इज विजिबल येस ट्वेल्थ क्लास थम्ब इज अप इट मीन्स बोथ द विंडोज आर विजिबल ओके नाउ कॉल द पुश फंक्शन पुश फंक्शन को कॉल करो पुश फंक्शन को जब कॉल करना है यू विल टेक टू आइटम्स वन आइटम स्टैक लिस्ट सेकेंड इज द आइटम द वैल्यू विच यू वॉन्ट टू इनपुट इन द स्टैक तो ये दो वैल्यूज लेके हम ऊपर चले गए ये रहा हमारा पुश फंक्शन ये हमारा पुष्प फंक्शन है जस्ट जस्ट टू लाइन फंक्शन एस एन एक्स ये रहा मेरा पुष्ट फंक्शन एस एन आइटम दे आर एक्चुअल पैरामीटर्स एस एंड एक्स दे आर फॉर्मल पैरामीटर्स जो एक्स है वो आइटम का ही दूसरा नाम है अगर आप यहां पर एक्स नहीं देना चाहते आप यहां पर आइटम भी लिख सकते हो दैट इज अपू यू के एस डॉट अ पेंड एक्स वॉट इज द रोल ऑफ अ पेंड फंक्शन हेयर वाई आई हैव टेकन अ पेंड फंक्शन हु विल टेल इतने टाइम से आप लिस्ट चैप्टर करते आ रहे हो टर्म वन के पेपर भी दे चुके हो वॉट इज द रोल ऑफ अ पेंड फंक्शन प्लीज रेज योर हैंड i have not asked any tough question from you people only two hands are raised yes abhishek sir adding an element at the last of the list single item at the last of the list at the end of the list yeah to insert one element at a time okay yes सो so, एक एक करके जो भी एलिमेंट आप इनपुट कर रहे हो वो स्टैक में अपेंड हो रहा है तो मैंने पहले थ्री लाया थ्री यहां पे अपेंड हो गया अब टॉप को अपडेट करना है आई एम टू अपडेट द टॉप ओके मेरा एस है ये मेरा सारा जो कंटेनर है वो एस है एस की लेंथ क्या है इस टाइम अगर मुझे एस की लेंथ निकालनी हो तो एस की लेंथ क्या है वन एक एलिमेंट आ गया उसकी लेंथ वन हो गई टॉप कैसे करोगे कैलकुलेट लेंथ ऑफ एस माइनस वन वन माइनस वन दैट इज जीरो टॉप इज पॉइंटिंग टू जीरो पोजीशन क्योंकि लिस्ट का पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स होता है लिस्ट में जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स जीरो होता है एम आई क्लियर दैट इज वाई आई हैव डन हेयर ये टॉप को मैंने अपडेट किया टॉप बींगेटेड अपडेट।, अपडेट ओके तो वापिस आ गए इधर जहां से कॉल हुआ था वो दोबारा पूछेगा आपसे एंट्री योर चॉइस ओके तो इस बार आपने कहा वन अगेन पुश सेकेंड टाइम फिर पुश की ऑप्शन दी आपने तो वो कहेगा एलिमेंट को इनपुट कराओ और पुश फंक्शन कॉल करो तो इस बार मैंने एलिमेंट ले लिया फोर दिस टाइम माई एलिमेंट इज फोर जो मैंने स्टैक में पुश करवाना है ओके okay. तो ये मैंने अपेंड कर दिया फोर अब टॉ अब लेंथ क्या बन गई लेंथ हो गई टू टॉप कैसे होगा कैलकुलेट टू माइनस वन वन टॉप इसको पॉइंट कर टू है क्योंकि मतलब मैं बार बार ये बात पे फोकस कर रहा हूं कि टॉप का जो जो स्टैक का पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स जीरो है तो बट ऑब्वियस फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट द सेकेंड क्लियर अगेन इट विल आस्क एंटर योर चॉइस इस बार तुमने कहा नंबर टू पॉप नंबर टू पॉप ओके तो पॉप फंक्शन कॉल किया ये पॉप फंक्शन कॉल किया और हम आ गए इधर पॉप फंक्शन पे ये अब पॉप फंक्शन में आपको एक जरूरी चीज चेक करनी क्या आपका स्टैक एम्प्टी है अगर स्टैक आपका पहले से एम है What you will delete from the empty stack? That will result, you will return minus 1 Minus 1 return, okay, kahan jayega idhar aayega yahan aake store ho jayega Item की value minus one के बराबर आ गई, तो आप underflow का message print करवा दोगे। ठीक है। अगर आपका stack empty नहीं है, if your stack is not empty, एल्स पार्ट पॉप फंक्शन कॉल किया लिस्ट का अपेंड फंक्शन भी होता है लिस्ट का पॉप फंक्शन भी होता है मैंने पॉप फंक्शन के अंदर कोई इंडेक्स नहीं लिया अदरवाइज तो इफ यू वॉन्ट टू पॉप एनी एलिमेंट यू हैव टू पास द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट बट हेयर आई एम नॉट पासिंग द इंडेक्स हेयर आई एम नॉट पासिंग द इंडेक्स ओके आई हैम गिविंग एम्टी ब्रैकेट वॉट इट मीन वेन एवर यू गिव एमटी ब्रैकेट इन द पॉप मैथड इट विल ऑलवेज रिमूव द लास्ट एलिमेंट तो अभी लास्ट एलिमेंट कौन सा है फोर तो फोर को रिमूव कर दिया okay? फोर चला गया एक्स के अंदर ठीक है अब स्टैग की लेंथ चेक करो क्या स्टैक की लेंथ जीरो हो गई नहीं क्योंकि अभी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है ओके okay? अगर स्टैक की लेंथ जीरो होती तो टॉप को नन कर देते लेकिन अभी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है तो हम आगे एल्स पे टॉप को डिक्रीमेंट करो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टैक नाउ वन वन माइनस वन जीरो टॉप जीरो पे आ गया top decrement ho gaya. am i clear to all yes class am i clear with the working of push and pop function then if you go with the third option peak choice is three peak function call kiya स्टैक को पैरामीटर पास किया और हम चले गए पीक फंक्शन में ये रहा हमारा पीक फंक्शन अगेन द सेम थिंग यू आर टू चेक सबसे पहले चेक करो क्या आपका स्टैक एम है अगर एम है तो माइनस वन रिटर्न करो माइनस वन रिटर्न होके इधर आ जाएगा आइटम के अंदर और यहां आके आइटम के साथ माइनस वन कंपेयर हो गया तो अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट हो जाएगा योर मैसेज ऑफ अंडरफ्लो विल गेट डिस्प्लेड मींस योर स्टैक इज एम्प्टी, एम टी अंडरफ्लो, ओके अदरवाइज इफ इट इज नॉट एम टी इफ स्टैक इज नॉट एम टी फाइंड द वैल्यू ऑफ द टॉप वॉट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर वन वॉट इज द लेंथ ऑफ स्टैक वन वन माइनस वन जीरो टॉप इज जीरो रिटर्न एस ऑफ टॉप एस ऑफ टॉप का मीन्स एस ऑफ टॉप मीन्स एस ऑफ जीरो वॉट इज लाइंग एट एस ऑफ जीरो थ्री रिटर्न एस ऑफ टॉप थ्री थ्री को रिटर्न कर दो रिटर्न होके थ्री कहां जाएगा इधर आ जाएगा आइटम में थ्री आ गया तो एल्स पार्ट चला क्योंकि थ्री तो माइनस वन के बराबर नहीं है एल्स पे आ गए टॉप मोस्ट आइटम इन द स्टैक इज आइटम दट इज थ्री एम आई क्लियर टू ऑल यस क्लास एम आई क्लियर देन इफ यू आर गिविंग द चॉइस नंबर फोर दैट इज द डिस्प्ले फंक्शन So we went to the display function. This is the display function. It will display the structure of that stack. Okay. I just run this program and show the working to you. Okay. Enter your choice number one. Enter the element you want to insert in the stack three. Enter your choice number one. Enter the element you want to insert in the stack four. Enter your choice. Display. Dekho, stack display. Hua. Top kisko point kar Check karo. Top is pointing to the value which was inserted at the last first of all i input 3 i inserted 3 then i inserted 4 4 was inserted at the end so top is pointing to that value which was insert at the end enter your choice again 1 this time i insert 5 display the stack check it out top is pointing to 5 Enter your choice. Number three. Topmost item in the stack is five. Peak. Ka matlab hai, the meaning of peak is to assess, to check which value is lying at the top of the stack. The role of peak function is to check which element is lying at the top of the stack. Enter your choice. Number two, pop. पॉप आइटम इज फाइव फाइव पॉप हो गया तो कौन से एलिमेंट रह गए फोर डिस्प्ले करो स्टैक को फोर और थ्री रह गए एंटर योर चॉइस अगेन पॉप दिस टाइम एलिमेंट फोर इज पॉप सी द स्टैक आफ्टर पॉपिंग फोर ओनली थ्री इज लेफ्ट अगेन पॉप पॉप आइटम इज थ्री फाइव भी चला गया फोर ऑल्सो गॉन थ्री ऑल्सो गॉन Stack is now empty. Let us remove element from empty stack. Pop. See the message of underflow has come. Am I clear to everyone? Yes, class. Am I clear? Totally clear.